हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम सौरभ शुक्ला, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर सिंस 2010। आज मैं बात करने के लिए आया हूं एक बेहतरीन से टॉपिक के बारे में। यदि माय डियर फ्रेंड कामयाब होना है तो बहाना बनाना छोड़ दीजिए। बहाना इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। आपने बचपन से ही बहाना बनाना सीखा है। आप जब छोटे थे तो बात बात पर बहाने बताते थे, मम्मी से बचने का बहाना, पापा से मार खाने से बचने का बहाना, न जाने कितनी ही बहाने आपने लगाए होंगे। आपकी टीचर ने आपको कभी होमवर्क दिया होगा, शाम के वक्त पूरी शाम खेलते रहे, होमवर्क पूरा नहीं किया, अगले दिन स्कूल पहुंचे और कहा कॉपी तो घर में ही छूट गई। बचपन में आप छोटे छोटे बहाने बनाते रहे जिससे ये आदत गई नहीं और आज वो आपकी जिंदगी के अंदर वो आदत हमेशा की बन चुकी है। आपके एग्जाम में कभी कम मार्क्स आए तो आप बोलते हैं कि टीचर सही से नहीं पढ़ाते थे, स्कूल का मैनेजमेंट सही नहीं था। आप यदि ऑफिस के लिए लेट पहुंचे तो ट्रैफिक को दोष देते हैं। यदि आप बिजनेस में फेल हो गए तो किस्मत को दोष देते हैं। यदि आपकी कॉम्पिटिशन के अंदर फेल हो गए तो आप अपने हालात को दोष देते हैं। नौकरी नहीं मिलती तो अपने माँ बाप को दोष देते हैं कि उन्होंने आपको अच्छी एजुकेशन नहीं दी क्योंकि घर की स्थिति खराब थी। माय डियर फ्रेंड, आपने लड़ाई किया और फिर उसके बाद कह दिया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हमारी आदत हो गई बहाना बनाने की। हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहाना दूर करिए, नहीं तो मुसीबतों के तूफान में आप बह जाएंगे। अपनी जिंदगी के अंदर बहानों को खत्म करिए। यदि लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार करना है या नई जिंदगी जीना है, बहाना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस इंसान को बहाना साइटिस नाम की बीमारी लग जाती है वो अपनी जिंदगी में धीरे धीरे खत्म होता जाता है, कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाता है। आने मत ढूंढिए बल्कि सक्सेस के रास्ते ढूंढिए। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। या तो एक्सक्यूजेस अपने पास रख लीजिए या तो सफलता अपने पास रख लीजिए। दोनों चीजों को आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई है तो कमेंट में बता दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।